हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आज स्टार्ट करने वाले हम सी लैंग्वेज में लूपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं लूप। तो लूप क्या होता है और इसमें किस तरीके से वर्क करते हैं समझते हैं। चलिए तो चलिए लूपिंग क्या होता है। लूपिंग होता है किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराने के लिए हम क्या करते हैं, लूप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एक हेडर फाइल लगाते हैं इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h देन मेन। प्रोग्राम हमने मेन से स्टार्ट किया और करली ब्रेक clr/scr हम ब्रेक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए लगाते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कराना है, एक मैसेज देना है प्रिंट एफ और मैंने लिखना है हेलो और प्रोग्राम को यहाँ पर गेट सी एस लगाते हैं इस आउटपुट को रोकने के लिए। स्क्रीन पर ये बना रहे और मैं ब्रैकेट क्लोज की और प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है, और ये रन हो गया। यहाँ पर हमें एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। हैज इंक्लूड कोनियो, कोनियो की स्पेलिंग गलत है, कोनियो डॉट एच, इसको रन कराते हैं, ये रन हो गया। ये देखा आपने कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया। अब इसी चीज़ को मैं 10 टाइम प्रिंट कराने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल हमारा तरीका है, इसे क्या करेंगे 10 टाइम प्रिंट कराने के लिए इसे हम बार बार लिखेंगे। 10 टाइम हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको 5 टाइम बता देता हूँ, इसमें 4 और ये, इसको रन करा दिया मैंने और ये देखा आपने 4-5 टाइम ये आ गया। अब ये आ रहा है एक ही रो में आ रहा है। आप इसे नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्लैश एन और इसके बाद मैंने स्लैश एन और स्लैश एन और इसको रन करा दिया, देन स्लैश एन। ये 5 टाइम आपका प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पर। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे 100 टाइम इसे प्रिंट कराना है तो मुझे 100 टाइम ये लिखना पड़ेगा, जिससे कि मेरा प्रोग्राम ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमारी मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इसी काम को हम कम करने के लिए लूपिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम छोटा रहे, मेमोरी कम यूज़ हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं लूप कॉन्सेप्ट को। तो लूप क्या होते हैं, लूप होते हैं 3 टाइप के। एक होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप बेसिकली लूप में 3 चीज़ें होती हैं, एक इनिशियल वैल्यू, देन एक कंडीशनल वैल्यू और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कि लूप स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, लूप कब तक चलेगा और लूप में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो चलिए जानते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा। तो लूप फॉर लूप से हम इसको प्रिंट कराने वाले हैं। हमने लिखा फॉर और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेना है लूप को चलाने के लिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इंट, इंट आई। आई क्या है, एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि लूप को चलाने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 1। तो आई स्टार्ट, लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 1 से, और ये कब तक, एक कंडीशन देनी पड़ेगी यहाँ पर, कंडीशन वैल्यू। तो कंडीशन तो कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
कि i कब तक चले, ये जो लूप है कब तक चले, लेस देन इक्वल टू, ये छोटा रहे या फिर बराबर रहे किससे, 5 से। ठीक है, अब i प्लस प्लस ये फॉर लूप है और ये हमने लूप की फॉर लूप की यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दी है। अब मैं बताता हूँ आपको ये किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले वैल्यू i, यहाँ से प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ, इंट पे आया, इंट में i वेरिएबल है। अब फॉर, अब यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो i स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो, i जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब बात आती है i छोटा है बराबर है किससे, 5 से। अब ये कंडीशन ट्रू है, अब ट्रू है क्योंकि i में 1 है, 1 क्या है, 5 से छोटा है बराबर है, तो 5, ये कंडीशन ट्रू होती है। जब ट्रू होगा तब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब अंदर आया तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट f हमने क्या कर रखा है, हेलो प्रिंट कर रखा है, तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर देन ये जाएगा i के पास, फिर ये फॉर में जाएगा। अब फॉर में जाएगा तो यहाँ पर i में इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब ये यहाँ पर फिर 2 क्या होगा, कंपैरिजन होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी कि 2 5 से छोटा है या बराबर है, तो 5 से छोटा है कंडीशन ट्रू, और यहाँ पर फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर फिर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। ये 5 तक प्रिंट होगा क्योंकि 5 आई में 5 होगा, तो 5 छोटा नहीं है लेकिन 5 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट हो जाएगा। जब आई में 6 होगा तो यहाँ पर जब चेक होगी कंडीशन की 6 छोटा है किससे, 5 से, नहीं बराबर है 5 के, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तब ये यहाँ से स्टॉप होके गेट, ये फॉर लूप आपका स्टॉप हो जाएगा और ये गेट सी एच पर आ जाएगा, कंपाइलर गेट सी एच पर आएगा और यहाँ से इसके बाद जब इसे कोई इनपुट मिलेगा और ये मेन से बाहर हो जाएगा। तो कोई भी लूप तब तक चलता है जब तक कि वो फॉल्स नहीं होता है, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। आपने देखा ये 5 टाइम इजीली आ गया, जिसमें हमें क्या हुआ, कोडिंग भी हमारी कम हुई और मेमोरी भी हमारी कम यूज़ हुई। तो अगर मैं इसे 10 टाइम प्रिंट कराने वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 लिख, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये 10 टाइम आ चुका है, ये तो हमने एक मैसेज को प्रिंट कराया। आप यहाँ से कोई नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर प्रिंट कराने वाला हूँ, परसेंट डी स्लैश और कॉमा आई। अब प्रिंट क्या कराने वाले हैं, आई की वैल्यू, आई में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। ये देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आप कोई टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं, मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है तो मल्टीप्लिकेशन 2। अब आपने देखा यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये 2 की टेबल आ गई। अगर आप 5 की टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो 5, इस तरीके से टेबल आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू हमने मैनुअली दी है, हम चाहते हैं कि यही वैल्यू किसी यूजर से हमें प्राप्त हो, तो किसी यूजर से प्राप्त हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। हमने नंबर नाम से एक वेरिएबल लिया, अब ये वैल्यू हम किससे एंटर कराने वाले हैं, यूजर से लेने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ एक मैसेज दिया यूजर के लिए, एंटर द नंबर 2 प्रिंट टेबल, कि वो नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा जिसकी टेबल आप प्रिंट कराने वाले हैं। अब ये स्कैन एफ से हमने क्या किया, इसको स्टोर कराया, परसेंट डी स्टोर कराया हमने नंबर के अंदर, अब ये लूप जो है लूप तो हमारा टाइम टाइम चलेगा क्योंकि 1 2 और उसको हमें मल्टीप्लिकेशन किससे कराना है,
मल्टीप्लिकेशन कराना है हमें नंबर से, कि जो भी नंबर होगा उसकी टेबल हमारी याद आएगी। तो चलिए देखते हैं, हमें 5 की टेबल चाहिए तो ये 5 की टेबल आ गई है, हमें 13 की टेबल चाहिए तो 13 की आ गई है, हमें 4 की टेबल चाहिए ये देखिए 4 की टेबल आ गई। इसी तरीके से आप कोई भी टेबल आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, मैंने 23 ये 23 की टेबल आ गई। तो इस तरीके से अब आप देखने वाले हैं कि जिस तरीके से हमारा एक पैटर्न होता है उस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए। चलिए मैंने यहाँ पर दिया एक नंबर परसेंटेज, और आपने देखा होगा टेबल इस तरीके से होती है, फिर परसेंट डी और इसके बाद में इक्वल टू और परसेंट डी। सबसे पहले परसेंट डी पर क्या आना चाहिए, जो हमने नंबर दिया है नंबर कॉमा एक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने साइन सिंबल दिखाने के लिए, और इस परसेंट डी पर क्या आना चाहिए आई की वैल्यू प्रिंट हो कॉमा, देन थर्ड नंबर पे जो परसेंट डी है इसकी जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, इसकी जगह पर नंबर और आई का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। चलिए मैंने देखा इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब आप देखेंगे किस तरीके से ये आ गया, मुझे 5 की टेबल चाहिए तो ये देखिए 5 की टेबल आ चुकी है। इस तरीके से आपका ये होता है, आपको 35 की टेबल चाहिए 35 की आ जाएगी, आपको 2 की टेबल चाहिए 2 की टेबल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम बनाते हैं, काफ़ी इजीली हमने ये प्रोग्राम बना लिया है, किस तरीके से हम ये बना रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं लिख के, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और पीछे जाओ हाँ फिर मिलते हैं, पैसा परवाने हैं, तब तक लिए बाय, जय हिंद जय भारत।